वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस फ्रेंड्स। आज आप सभी स्टूडेंट के लिए इतनी दमदार स्कॉलरशिप लाया हूँ और साथ में इंटर्नशिप, जो कि आप सभी स्टूडेंट सुन के हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। बस आपको कुछ चीज़ों का फॉलोअप करना है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, इवन किसी भी ब्रांच के हो, तो डेफिनेटली ये जो सेकंड वाली जो मैं इंटर्नशिप बताऊंगा उसको आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, क्योंकि जो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगी ना, उसकी वैल्यू इतनी सारी है, इतनी ज़्यादा वर्थ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो आपको आगे चल के आपके पता चलेगा, जब आप रेज्यूमे में मेंशन करोगे तो सामने वाली जो भी आपकी रिक्रूटर होंगे वो देखेंगे, हायरिंग प्रोसेस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है टाइम टू टाइम आती रहती हैं, उन चीज़ों को आप कॉलेज टाइम में कवर कर लोगे तो वो बहुत ही बेनिफिट होगा। ना कि कॉलेज आफ्टर कॉलेज के बाद स्टूडेंट सोचते हैं मुझे कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, कहीं फेलोशिप मिल जाए, कहीं मैं ट्रेनिंग कर लूँ, कहीं मैं एक दो साल और प्रैक्टिस कर लूँ, ये सारी चीज़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है और आपको स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें अपने आप के अंदर इनबिल्ड करना है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास देख सकते हो एक बड़ी फोर स्टडी की तरफ से एक मेल आया था जिसमें यह बताया गया कि यह स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जा रही है। पहली जो स्कॉलरशिप है, नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन स्कॉलरशिप 2024-25। अब यह जो है इसमें बताया गया है कि क्लास 11th या मतलब कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो, उन सभी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके साथ ही उनके क्लास 10th में मिनिमम 60% होना चाहिए। यार इतना तो होगा, आई होप कि आप सभी का होगा। स्कॉलरशिप आपको 15,000 की मिलेगी, 26/6 लास्ट डेट अप्लाई है। अगर लिंक पे मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो आपको यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको पता है कि बड़ी फॉर स्टडी भी काफ़ी बड़ी एक प्लेटफॉर्म हो चुकी है और इसकी पूरी साइट भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ बस आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा किन किन को, कर्नाटक, दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु को। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है या फिर आप सोचते हो कि इन स्टेट में, इस स्टेट की जो लिस्ट है उसमें आपका नेम नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल, आप ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हो। यहाँ पे सिर्फ लिखा प्रेफरेंस विल बी, मतलब कि अगर 100 एप्लीकेशन है तो 100 में अगर ये मैक्सिमम आ जाएंगे तो इनका पहले ऊपर लिया जाएगा फिर आपका नीचे, मतलब थोड़ी सी तो चांसेस है। फिर भी एटलीस्ट यार अप्लाई कर देना, क्या पता सारे स्टूडेंट ऐसा ही सोचे, यार सोचो कि यार हो सकता है कि पता नहीं प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं, मैं नहीं अप्लाई करता हूँ। अगर एक दो स्टूडेंट ऐसे अप्लाई कर देते हैं तो उनके हाईली चांस हो सकता है। इसके साथ ही जो हमारी गर्ल्स कैंडिडेट है ना, जो सिंगल पेरेंट्स हैं या फिर ऑर्फेंस हैं या ट्रांसजेंडर पर्सन हैं या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देने की कोशिश की जाएगी। मतलब कि देख रहे हो ना, एक एक स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करूँगा एक एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। अगर आपकी ये डेफिनेटली ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रही है तो 100% आपको कोई चांस नहीं है। बट कंपटीशन किस में है, जिनका यहाँ पे ये जो नीचे का नोट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेफरेंस उनको नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप फंड कैन बी यूटिलाइज एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्कूल फीस, एग्जाम फीस, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रेवलिंग, ट्यूशन एंड कोचिंग एटसेट्रा। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो ना कितनी बड़ी लाइन लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो क्लास 10th की डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट इशू एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड आपको मिलेगा, फैमिली इनकम, ITR, सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें जो भी जनरल एक स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगता है, रिसेंट फोटोग्राफ और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट, अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट तो देने ही पड़ेंगे, राइट। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे सिंपली सा वही प्रोसेस है जैसे बड़ी फोर स्टडी का होता है, अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर आपका यहाँ पे ये आपको साइनिंग कर लेना है, ठीक है, गूगल से बेसिकली, और उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो ये स्टूडेंट यहाँ पे अचीवर है, इनको मिला हुआ है। अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, दूसरा तो UK इंडिया TOEFL स्कॉलरशिप है, जो कि एब्रॉड जाना चाहते हैं स्टूडेंट उनके लिए, बट मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम हमारे कम्युनिटी के स्टूडेंट होंगे तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ। 250,000 वैसे 10 ही स्टूडेंट को मिलेगा वन टाइम स्कॉलरशिप, तो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ICRO अमृत स्कॉलरशिप, सॉरी अमृत इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024। ये बहुत ही अपने आप में एक तरीके से अनोखा, अगर मैं लिंक पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा, ICRO अमृत इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि बहुत ही अपने आप में बड़ा है। इसमें का सर्टिफिकेट जो होगा ना वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड होगा। देख सकते हो G20 इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर आप देख सकते हो डोमेन नेम में भी GOV.in लिखा हुआ है, मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट
टेड है, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, और इस सर्टिफिकेट को आप अपने रेज्यूमे में शेयर करोगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स ही मिलेगा। आपको सिंपली से यहाँ पे आना है और अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना। जैसे इस पे आप क्लिक करने की कोशिश करोगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह फिल करके रजिस्टर करोगे, और फिर आपको बैक आना होगा यहाँ पे, और फिर जो आपकी जो अपनी एप्लीकेशन आईडी और वो आप बना होगा पासवर्ड, उससे आप फिर से लॉगिन करके और एकेडमिक डिटेल्स, बैकग्राउंड और जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल्स है वो और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फिल करना है वो भी एक बार बता देता हूँ। तो हमारे पास इनका ब्राउचर ही ओपन हो गया है, तो अभी देख सकते हो जो इसमें काम की चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुद से फिल करना होगा, ठीक है भाई। आप इंटरनेट से भी फिल कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट लेके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने फोटोग्राफ वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, ये आप फॉर्म में भी फिल करोगे डिक्लेरेशन पे टिक करके, प्लेस डेट और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। नेक्स्ट जो फॉर्म है ये आपके कॉलेज से वेरीफाई होना चाहिए, जैसे कि स्टाम्प पेपर, अपने हेड से ये परमिशन लेना पड़ेगा, आधार नंबर, सील, ये, ताकि क्योंकि अगर इंटर्नशिप आप करोगे, अगर ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, लेकिन कॉलेज जब एग्री करता है आपको, कॉलेज आपको अलाउड करता है, तो जो इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट जो होगी वो वैल्यूएबल होगी। तो समझ रहे हो ना, ऐसा वैसा नहीं है कि विदाउट कॉलेज परमिशन आपको मिल रहा है, ये कॉलेज के तरफ से, कॉलेज की इसमें यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉलेज आपसे एग्री करेगा, आपको टाइम देगा, कॉलेज बोलेगा हाँ, सिग्नेचर सील मोहर करेगा, तो ही आप यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप नहीं, इसमें आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलेगा, जैसे कि मैंने बता दिया है कहाँ गया, ये रहा, इसमें स्टाइपेंड आपको 6,000 मिलेगा, वो एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। मुझे पता है कॉलेज स्टूडेंट के लिए बड़ी अमाउंट होगी, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली, तो वो 6,000 अमाउंट आपको मिलेगा, साथ में सर्टिफिकेट कंप्लीशन मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इसको आप कर लीजिए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप सभी का थैंक यू।